दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर का टेस्ट लगाएंगे। डेली क्लासें आपको यहाँ पर करंट अफेयर के दी जा रहे हैं, तो डेली यहाँ पर आप प्ले के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक आपके कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 26 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा नंबर, ये आपके हैं केशव गुहा। ठीक है, कौन है आपके, केशव गुहा हैं, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। याद रखिए, दुनिया का पहला सीएनजी आपका टर्मिनल है, ठीक है, जो कि आपका स्थापित किया जाएगा आपके भावनगर में। ठीक है, भावनगर गुजरात, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। याद रखिए, आपकी अभी हाल ही में खोजी गई है एशियन जंपिंग मकड़ी, ठीक है, और इसका जो नाम रखा गया है ये रखा गया है सचिन तेंदुलकर के नाम पर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है। तो याद रखिएगा, ये आपका क्या है, आपका सुरंगा बावड़ी, ठीक है, और इनका जो संबंध कह सकते हैं वो आपके किस राज्य से है, तो 29 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके कर्नाटक से है, जो कि कह सकते हैं विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। यह आपके याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार है, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन आपकी चलाई जाएगी, और ये आपके किसके साथ, तो आपके नेपाल के साथ, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नेपाल। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस महिला कौन बनी है। यह आपकी नेत्रहीन पहली आपकी आईएएस महिला आपकी है, याद रखिएगा, ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, यह आपकी है प्रांजल पाटिल। ठीक है, कौन आपके हैं, तो प्रांजल पाटिल है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्थान ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत किया है। याद रखिए, कौन सा आपके यहाँ पर है, डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत किया है, किस संस्था ने किया है, इस संस्था का नाम है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, फेसबुक संस्था ने किया है, जो कि आपके डिजिटल बेटी अभियान शुरू किया है। यह आपके जो आपके आदिवासी महिलाएं हैं उनको डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा। यह आपका पहला होगा जो कि अनुसंधान आधारित होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय, और आपका जो निर्मित किया जाएगा कहां पर, तो आपके ऑप्शन बी, आपके संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया जाएगा अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न आपका है कि जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, जल नीति लागू करने वाला ये आपका देख लीजिए पहला राज्य जो आपका है ये आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपका मेघालय राज्य है, जो कि कह सकते हैं जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका है मेघालय। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत किस देश के साथ तुर्गा बिजली परियोजना पर समझौता किया है। देख लीजिए कौन सी आपकी परियोजना है, तुर्गा बिजली परियोजना है, और ये जो आपके कह सकते हैं समझौता किया है आपके जापान के साथ, तो 35 को ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न आपका दिया है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की जो मेजबानी करेगा वो आपका कौन सा, तो राइट आंसर आपका 36 का हो जाएगा, ए नंबर आपका इटली करेगा। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त वस्तु में कौन सुमेलित नहीं है। जीआई टैग प्राप्त वस्तु में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 37 का जवाब देना है, 37 का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है कौन सा,
यहाँ पर मयूर गुड़ तो आपका सही है, मयूर जो गुड़ है वो केरल है, सिलाव खाजा आपके बिहार है, और पंचमथम प्रसाद आपका कह सकते हैं तमिलनाडु। लेकिन ये जो आपका इरोड हल्दी है ना, ये आपके उड़ीसा की नहीं है, ये आपके तमिलनाडु के है। इस प्रकार से ये नंबर आपका असुमेलित है। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि 2019 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली पहली महिला IPS अधिकारी आपकी कौन सी बनी है। देख लीजिए 2019 में पहुंची हैं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली ये पहली महिला IPS आपके अधिकारी हैं, तो राइट आंसर आपका 38 को हो जाएगा, बी नंबर आपकी अर्पणा कुमार हैं, अर्पणा कुमार। अगला प्रश्न आपका है कि नई गठित कैबिनेट मंत्री में मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न से कौन है। देख लीजिए मानव संसाधन विकास मंत्री जो आपके हैं वो आपके कौन से हैं, तो 39 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके रमेश पोखरियाल हैं। ठीक है, रमेश पोखरियाल हैं ये आपके मानव संसाधन विकास मंत्री। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ओलंपिक पदक विजेता बलवीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था। तो याद रखिएगा आपके ओलंपिक विजेता हैं बलवीर सिंह दोसांझ, ठीक है, और इनका जो संबंध है ये आपके हॉकी से है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा मोसाइक मिशन शुरुआत किया गया है। मोसाइक मिशन की जो शुरुआत किया गया है जो कि देख सकते हैं ये जलवायु परिवर्तन अध्ययन के लिए है, ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा 41 क्वेश्चन सी आपका जर्मनी, ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में चर्चित शब्द CDS का पूर्ण रूप क्या है, CDS का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिए CDS का पूर्ण रूप आपका है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है, तो सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का ये रिकॉर्ड जो नाम है वो आपके क्रिस्टिना कोच के नाम है, ऑप्शन आपका यहाँ पर 43 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका कैच अप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कैच अप, तो ये जो आप कह सकते हैं ऐप है या एप्लीकेशन है ये जो लॉन्च किया गया है वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर आपके फेसबुक के द्वारा ये नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है या किस राज्य में है। चंबा सुरंग देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन आपका है चंबा सुरंग, और ये जो आपके है किस राज्य में, तो 45 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये आपके उत्तराखंड में है चंबा सुरंग। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है। तो याद रखिए जो आपके खेल हैं इनको एक प्रकार का उद्योग का जो दर्जा दिया है वो आपके किस राज्य ने, तो ये दिया है आपके मिजोरम ने, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या है, तो 47 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 47 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आवर सॉल्यूशन आर इन द नेचर, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न आपका है कि आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत किया है। तो देख सकते हैं दीदी वाहन सेवा है जो कि आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु है आपका, और ये जो शुरुआत किया है ये आपकी किसने, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपके मध्य प्रदेश ने, ठीक है, 48 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है। तो याद रखिए आपके कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, और ये आपके कह सकते हैं लगातार आपके यहाँ पर 5 बार आपके प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है, आपके सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। याद रखिए नाबार्ड का नया अध्यक्ष आपका है, ठीक है, नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी मिली है, और ये किसे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, गोविंद राजुचुल चिंटाला, ठीक है, चिंटाला वैसे होता है, तो ये आपके हैं जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये आपका नियुक्ति करने की मंजूरी दिया है, तो 50 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
तो ये रहे आपके कह सकते हैं 50 प्रश्न, कुल मिला के यहाँ पर 25-25 प्रश्न का हम यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम जैसे ही होता है यहाँ पर हम आपको प्रश्नों की संख्या आपकी डबल कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन के अनुसार 25-25 प्रश्न आप लिखते जाइए, कॉपी में नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है। आप ही की सुरक्षा होगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।